हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। वी हैव ऑलरेडी डन अप टू क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 12, मिश्रण। सो टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। ओके, सो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, दो समान आयतन वाले पात्र में क्रमशः 1/3 और 1/4 हिस्से में फल का रस है। दोनों पात्र के खाली हिस्सों को जल से भरकर एक पात्र में ढाल दिया गया है। इसे नए पात्र में फल के रस और जल के परिमाण का अनुपात कितना होगा, ये हिसाब करके देखना है। तो आप लोग देखो कि पहले दिया है 1/3 हिस्सा, दो समान आयतन वाला पात्र है, यानी दो वेसल है जिसमें 1/3 हिस्सा एक में भरा हुआ है और एक में 1/4 हिस्सा भरा हुआ है फ्रूट जूस। ओके, टू वेसल्स है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें जो खाली है इसमें वाटर भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है, वाटर है। ओके, ये फ्रूट जूस है। तो इसको हम निकाल लेंगे, आप लोग बचपन से ही निकालते आ रहे हो कि यदि एक पात्र है तो फ्रूट जूस जिस इतना भरा हुआ है, यहाँ पे दिया 1/3, यहाँ पे दिया 1/4, तो इसमें से 1 में से हम 1/3 और 1/4 को हम यदि माइनस कर देते हैं तो मेरा वाटर निकल जाएगा कितना हिस्सा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि नए पात्र में फ्रूट जूस मिलाकर यानी कि 1/3 + 1/4 दोनों एड कर देंगे और जल को भी मिला देंगे, यानी नए पात्र में अब पूरा जब मिला देंगे, एक नए पात्र में जब पूरा मिला देंगे, यानी एक वेसल और बड़ा वेसल लेंगे जिसमें हम पूरा मिला देंगे, तो उसमें मेरा कितना परिमाण होगा। यानी यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि यहाँ जो वाटर है वाटर को ऐड कर देना है और फ्रूट जूस को ऐड कर देना है, तो मेरा आंसर उसका रेशियो निकाल देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। सो चलो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हम यहां लिखेंगे फ्रूट जूस इन फर्स्ट वेसल इक्वल टू कितना दिया है, 1/3, ठीक है, 1/3 पार्ट दिया है। तो हम यहां से हम वाटर निकाल लेते हैं। सो वाटर इन फर्स्ट वेसल कितना होगा, 1 - 1/3, ठीक है, दैट इज 3 - 1, दैट इज 2/3। ये मेरा फर्स्ट वेसल का निकल गया। उसी तरह हम निकालेंगे सेकेंड का, फ्रूट जूस इन सेकेंड वेसल, दूसरा पात्र का मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 1/4। ओके, तो वाटर निकाल लेंगे। सो वाटर इक्वल टू 1 - 1/4, दैट इज 4, इधर 4 - 1, दैट इज 3/4, ठीक है, ये 3/4, इसका इतना पार्ट निकल गया। यहाँ पे वाटर निकला सेकेंड वेसल का और यहाँ पे वाटर निकला फर्स्ट वेसल का। अब हमें क्या करना है, दोनों जो फ्रूट जूस है दोनों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे, सो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट जूस इन टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट जूस इन न्यू वेसल, नए वेसल में नया पात्र में फ्रूट जूस इक्वल टू 1/3 + 1/4, दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 = 12 होगा, 4 × 3 = 12, यहाँ 4 + 3, दैट इज 7/12। ओके, 7/12 निकला, तो ये मेरा निकला फ्रूट जूस। ओके, उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन
न्यू वेसल, नए पात्र में जल इक्वल टू कितना निकला है 2/3 + 3/4, ओके दैट इज 12, ठीक है। फिर यहां 4 आया, 4 2 = 8, और इधर 4 2 = 8, और इधर 3 4 3 = 12, सो 3 3 = 9, 17/12 इतना आया, ठीक है। तो ये मेरा टोटल क्वांटिटी फ्रूट जूस और वाटर का निकल गया, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल देना है, ओके। तो चलो हम रेशियो निकालते हैं। सो हम लिखेंगे, सो द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट जूस, फ्रूट जूस इक्वल एंड वाटर, रेशियो क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इक्वल टू कितना मेरा आया था, पहला आया था 7/12 और दूसरा आया था 17/12। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो यदि कहीं जैसे यहाँ तो 17/12 और 7/12 है तो कट नहीं रहा है इसमें कहीं भी, यदि कटे भी तो आप लोगों को काटना नहीं है, क्योंकि लास्ट में काटने पे पता है क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप लोग इसे काटना नहीं। जैसे यदि कट रहा है तो मत काटना, ठीक है, लास्ट में खुद ब खुद ये कट जाएगा, इसलिए आप लोग काटना नहीं, ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, काटते नहीं है रेशियो में, डायरेक्ट लिखते हैं। सो यहाँ पे 7:17 आंसर, ठीक है। ये मेरा फ्रूट जूस और इसका रेशियो निकल गया, यहाँ वही पूछ रहा है फल के रस और जल का परिमाण का अनुपात कितना है ये हमें बताना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर एट में दिया है, रेशमी खातून 3 बराबर माप के ग्लास को शरबत से भर दिया, इन दिनों ग्लास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात क्रमशः 3:1, 5:3 एवं 9:7 है। मैंने तीनों ग्लास के शरबत को एक बड़े पात्र में डाल दिया, बड़ा पात्र में डाल देता है तीनों को, तो यहाँ हिसाब करके देखना है कि नए पात्र में यानी जो बड़े पात्र है उसमें जल और सिरप का परिमाण कितना है वो हमें निकालना है। सेम 7 की जैसे है, क्योंकि इसमें आप लोगों को माइनस करना था 1 से, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, यानी कि 3 और यहाँ पर्यानुपातिक योग यानी कि प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे, ओके। तो प्रोपोर्शनल पार्ट निकलेगा, यानी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, आप लोग खुद कर लेना, बहुत ही इजी है। जैसे यहाँ 3:1 दिया है शरबत और यहाँ सिरप, जल और सिरप, यहाँ वाटर इज टू सिरप यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 3:1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अनुपातिक योग यानी कि प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे, ओके। प्रोपोर्शनल एडिशन कितना होगा, 3+1 दैट इज 4 होगा, ठीक है। उसी तरह तब यहाँ पे वाटर मेरा कितना होगा, कितना पार्ट वाटर का होगा, 3/4 होगा वाटर का पार्ट, और इसका कितना होगा सिरप का होगा 1/4, ओके, सिरप का 1/4 होगा। उसी तरह से यहाँ पे इसका भी उसी तरह से निकालेंगे, वाटर इज टू सिरप इक्वल टू 5:3 दैट इज 5+3 = 8, प्रोपोर्शनल एडिशन उसका 8 निकलेगा। सो यहाँ वाटर होगा 5/8 एंड सिरप होगा 3/8। उसी तरह से 9:7 का भी निकालेंगे, वाटर इज टू सिरप इक्वल टू 9:7, और उसके बाद प्रोपोर्शनल एडिशन दैट इज 9+7, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 16, ओके, तो 16 होगा। उस तरह से इसका फिर वाटर इक्वल टू 9/16 और सिरप इक्वल टू 7/16 होगा, ठीक है। अब जो तीनों मेरा निकला उसमें वाटर अलग निकला और सिरप अलग निकला, अब क्या करेंगे हम, बड़े पात्र में यहाँ पे बोला जा रहा है कि बड़े पात्र में डाल देना है, इसका मतलब साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है कि हमें ऐड कर देना है, यानी जो मेरा बड़ा पात्र है उसमें वाटर को ऐड करना है और सिरप को अलग ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम वाटर इक्वल टू लिखेंगे पहले कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू इन न्यू वेसल इक्वल टू यहाँ पे जो जो मेरा आया 1/3/4
और इधर यहाँ से आया 5/8 और यहाँ से आया 9/16। ओके, तो यहाँ से हम ऐड करके उसको प्लस ऐड कर देंगे, उसी तरह से सीरप भी ऐड कर देंगे और जो मेरा आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, जो ऐड करके आएगा। और उसके बाद उसका रेशियो हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ वाटर इज टू सिरप का रेशियो बोला जा रहा है। सो वाटर इज टू सिरप इक्वल टू, यदि कट हो रहा है तो आप लोग पहले मत काटना, लास्ट में खुद ब खुद कट जाता है, नहीं काटता है तो वहां से हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ईजी है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, दो प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात 8:3 और 15:7 है। इस दो प्रकार के पीतल को 5:2 के अनुपात में मिलाने पर जिस नए प्रकार का पीतल बनेगा उसे तांबा और जस्ता के, उसमें तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात कितना है ये हमें निकालना है। आप लोग देखो, अभी हम लोग को ये दो क्वेश्चन जो 7 और 8 मिले, इसमें क्या था कि दोनों का अनुपात यहाँ था, ठीक है, और नए जब हम मिला रहे हैं और उसके बाद जो मेरा नया पात्र में हम जब इसे डाल रहे हैं तो रेशियो यहाँ पे निकालना होता था, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में। यहाँ पे वही दे दिया है, जो मेरा आंसर इसमें था वो यहाँ दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि तांबा और जस्ता का परिमाण कितना होगा, यानी जो दोनों मिलाया जा रहा है उसमें तांबा और जस्ता का परिमाण कितना होगा, और यहाँ पे ये चीज दे दिया है कि पीतल जो मेरा ब्रास है वो 5:3 के रेशियो में, इन दोनों को मिलाने पर 5:2 के रेशियो में मिल रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता है, तो चलो इसे हम करते हैं। बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा समझना होगा, बहुत ईजी है। चलो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखेंगे कि लेट 5x, ये 5x:2x दिया, 5:2 दिया हुआ है, हम इसे x मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि 5 kg मिलाया जा रहा है या 10 kg मिलाया जा रहा है, इसे तो हमें पता नहीं है। सो इसे हम x मान के चलेंगे, यानी 5x:2x। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट 5x kg ऑफ फर्स्ट ब्रास पीतल इज मिक्स्ड विथ, कितना दिया है 2x, ओके, 2x kg ऑफ सेकेंड ब्रास, ओके, दूसरे पीतल से 2 kg से 5 kg, पहले ही पीतल को हम 5 kg से दूसरे पीतल के 2 kg से हम लोग इसे मिलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ दिया हुआ है पहला का जो रेशियो दिया है, सो लिखेंगे नाउ रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इक्वल टू, यहां दिया हुआ है 8:3, ठीक है। फिर उसी तरह अनुपातिक योग, यानी प्रोपोर्शनल एडिशन, सो प्रोपोर्शनल एडिशन अनुपातिक योग इक्वल टू 8+3=11, ठीक है। सो यहां से कॉपर मेरा कितना होगा ये निकालना है, कॉपर इक्वल टू 8/11 इंटू, ये जो 5 kg हम फर्स्ट ब्रास का यानी पहला पीतल का हम निकाल रहे हैं, सो इंटू 5x, ओके, दैट इज यहाँ कितना हो जाएगा 8×5=40x/11, ओके, 40x/11। उसी तरह से हम यहाँ जिंक भी निकालेंगे, सो जिंक इक्वल टू 3/11, ये 3/11 इंटू 5x, दैट इज 5×3=15x/11, ये मेरा निकल गया पहला का। उसी तरह हम दूसरा का निकालेंगे, तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे नाउ रेशियो
ratio of second copper is to zinc equal to दिया हुआ है 15:7 दिया है, ठीक है। तो फिर उसी तरह अनुपातिक योग यानी प्रोपोर्शनल एडिशन हम लिखेंगे। सो प्रोपोर्शनल एडिशन अनुपातिक योग इक्वल टू 15 प्लस 7 इक्वल टू 22, ओके 22, ठीक है। 15 प्लस 7 इक्वल टू 22, इसलिए सो कॉपर इक्वल टू 15/22 इंटू ये 2x जो मेरा दिया हुआ है 2x, इससे क्योंकि सेकेंड ब्रास है वो 2x है, सो 2x इक्वल टू 15 × 30x/22, ओके। इसी तरह से हम जिंक का भी निकालेंगे, फिर उसी तरह से हम जिंक भी निकालेंगे। मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे कॉपर का, सो जिंक इन द सेकेंड ब्रास दैट इज 2x इक्वल टू 7/22 इंटू 2x दैट इज 14x/22। देखो आप लोग यहाँ पे कट रहा है लेकिन मैं काट नहीं रही हूँ क्योंकि ये अल्टीमेटली लास्ट में कट ही जाएगा, सो हम इसे काटेंगे नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मेरा दोनों का कॉपर और जिंक का दोनों का निकल गया, दोनों वेसल का निकल गया। अब हम कॉपर और जिंक दोनों ऐड करेंगे अलग अलग, सो हम लिखेंगे सो टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन न्यू ब्रास इक्वल टू, पहले मेरा कितना निकला था 40x/11, ओके 40x/11, और ये मेरा जो सेकेंड वेसल का निकला सेकेंड ब्रास का निकला 30x/22, ठीक है। यहाँ पे देखो 22 आया, तो 11 × 22 दैट इज यहाँ पे कितना आया 80x+30x, ठीक है। तो यहाँ आया मेरा 110x/22, ठीक है। ये मेरा निकला कॉपर। उसी तरह से टोटल क्वांटिटी ऑफ जिंक लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ जिंक इन न्यू ब्रास इक्वल टू कितना निकला था, पहले मेरा जिंक निकला था 15x/11, ओके, और ये निकला है प्लस 14x/22 सेकेंड का निकला है, ठीक है। फिर हम इसको ऐड करेंगे 22 होगा एलसीएम, तो 11 × 22 दैट इज 30x+14x दैट इज यहाँ पे 44x/22 आया, ओके। इस तरह से दोनों कॉपर और जिंक का रेशियो मेरा निकल गया, ठीक है। अब जब जिंक का रेशियो कॉपर और जिंक का रेशियो निकल गया, यही तो मेरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी अब इन दोनों का ऐड करके निकला, अब इन दोनों का रेशियो निकाल देना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। सो हम लिखते हैं सो द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन न्यू ब्रास, नए पीतल में कॉपर और जिंक का रेशियो अनुपात इक्वल टू 110x/22 इज टू
44x by 22. 22 से 22 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा 110x is to 44x. 110 और 44 ये 22 के टेबल में आता है, ठीक है. तो हम 5 टाइम्स आता है 5x, सॉरी x से x कैंसिल हो गया, ओके okay, x से x कैंसिल हो गया, काटते नहीं है रेशियो में. सो हम डायरेक्ट 22 से यहाँ पे काट रहे हैं, 22 5 जा 110 और 22 2 जा 44, सो 5 इज टू 2 आंसर. ये मेरा रेशियो कॉपर और जिंक का निकल गया, दैट इज द आंसर. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बन गया, ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे. होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए हो. यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.